It's really difficult now to live without this. Yes, your mobile phones. That's the harsher truth, but it is true, isn't it? जितनी ताकत ये हमें देती है उतनी ही खामियां भी हैं इनमें. But nevertheless, we cannot more agree to this fact कि how damn useful these things are when used properly. Connecting to the internet, entertainment, education, profession, almost everything could be now controlled, planned and executed by this palm-sized device in your hands. But can you imagine a little more than 100 years ago? Phone to chodo, radio ka bhi namo nishan nahi tha. It was non-existent. It was only on 23rd December 1900, a Canadian inventor, Reginald Fessenden, became the first person to transmit audio through a distance of 1 mile, wirelessly. Yes, people, 1 mile, yani ke approximately 1.6 kilometers. Bus. Sound thoda distorted tha, lekin fir baad mein ye samajh mein aa gaya, kam se kam, aur ye prove ho gaya, that sound can be transferred wirelessly. Bina medium ke. कभी सुना है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के प्रेडिक्शंस के बारे में या होते हुए? नहीं, ऐसे ही कुछ किया था एक इंग्लिश कैरिकेचरिस्ट, कार्टून बनाने वाले लुइस बॉमन ने. ऑन 21st जुलाई 1907, लुइस ने एक ऐसा कार्टून बनाया इन अ पंच मैगजीन और उस कार्टून का नाम रखा प्रेडिक्शंस ऑफ 1907. उस कार्टून में लुइस ने बनाया अ मैन एंड अ वुमेन डेटिंग इन लंडन्स हाइड पार्क wirelessly to a telephone. Can you imagine this? 113 years before. Dating on wireless telephones. What an excitement! And on what topic? In 1908, Nathan Stubblefield, a Kentucky farmer and also a self-taught electrician, ना कि सिर्फ दुनिया का सबसे पुराना वायरलेस फोन को इन्वेंट किया बट उसे पेटेंट भी किया. लेकिन बात यह है कि उनका जो पेटेंट था वो सबको पता नहीं था एंड हिज इन्वेंशंस वेर नेवर स्पोकन अबाउट. हिज इन्वेंशंस वेर नेवर कमर्शियली सक्सेसफुल, इसलिए अनफॉर्चुनेटली ही डाइड पेनीलेस. और 10 साल बाद इन 1918 जर्मन रेलरोड सिस्टम्स टेस्टेड द फर्स्ट वायरलेस फोन्स ऑन ट्रेन्स, एस्पेशली द मिलिट्री ट्रेन्स बिटवीन बर्लिन एंड जोसेन. और यही चीज 6 साल बाद रिप्लीकेट हुई मिलिट्री ट्रेन्स के बदले पब्लिक ट्रेन्स में, ड्यूरिंग द डेस्टिनेशंस बर्लिन एंड हैमबर्ग. फिर शुरू हुई वर्ल्ड वॉर टू की इन 1939 में. इस वर्ल्ड वॉर की खास बात यह थी कि इसी दौरान हमने मिलिट्री हैंडहेल्ड रेडियो ट्रांसीवर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया. इस रेडियो ट्रांसीवर के थ्रू एक वक्त पे हम बहुत सारे कॉल्स नहीं कर पाते थे लेकिन कॉल्स जरूर कर पाते थे. दिक्कत ये थी कि ये ट्रांसीवर्स इतने भारी भरकम हुआ करते थे कि भाई हम जंग लड़े कि ये मोबाइल फोन लेकर घूमते रहे. फाइनली इन 1946 यूएसए के बेल लैब्स के इंजीनियर्स ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया विच अलाउड द मोबाइल फोन यूजर्स टू एक्चुअली मेक कॉल्स थ्रू देयर व्हीकल, यानी कि गाड़ी के थ्रू. और ये फिनोमेना फेमस हुई विद द नेम ऑफ कार फोन्स. ये इतनी फेमस हो गई थी कि भाई ऑलमोस्ट हर कोई अपने गाड़ी में ये फोन तो जरूर चाहता था. बट दिक्कत ये थी कि, और सबसे बड़ी ताजुब की बात ये थी कि ये जो कार फोन्स थे उनका खुद का वेट होता था 36 kg, यानी कि एक मोबाइल फोन इसको मोबाइल थोड़ी कह सकते हैं यार, 36 kg मोबाइल कैसे कह सकते हो उसको आप, है कि नहीं? हेलो ऑपरेटर, या कनेक्ट मी टू मिस्टर मोगैम्बो. क्या मिस्टर मोगैम्बो का नाम लिस्ट में नहीं है? ही मस्ट बी यूजिंग अ कोड नेम. कनेक्ट मी टू मिस्टर हर्ष प्रियम. थैंक यू. और पाजी कैसे हो? सब बढ़िया? कुछ नहीं, बस जय श्री हर्ष बोलने के लिए कॉल किया था. हाँ हाँ, गाली मत दो. ओके ओके ओके. इन 1948 दिस बिकेम ट्रू जब एक ऑपरेटर आपके कॉल्स को हैंडल कर सके.
एंड दिस वॉज स्टार्टेड बाई AT&T, अ वेरी फेमस कंपनी फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. और उन्होंने अपना जब मोबाइल टेलीफोन सर्विस खोला, शुरुआत हुई थी थोड़ी सी स्लो, जहां पे 5,000 लोग कुल मिलाकर 30,000 कॉल्स कर पाते थे इन अ वीक. इट वॉज अ स्लो स्टार्ट, बट इट बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर इन दी थिंग. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जब आपको बात करनी होती थी, यू हैड टू प्रेस अ बटन, एंड वेन यू हैड टू लिसन टू द अदर पर्सन, यू हैड टू रिलीज दैट बटन जस्ट लाइक अ वॉकी टॉकी. कॉपी दैट. कुल मिला के 17 साल के बाद कुछ प्रोग्रेस दिखने लगी इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन डिवाइसेस. इन द ईयर 1965 एक बल्गेरियन कंपनी नोन एज रेडियो इलेक्ट्रॉनिका ने अपना मोबाइल फोन सर्विस चालू किया विद अ बेस स्टेशन. एंड अ बेस स्टेशन कुड एक्चुअली हैंडल 15 कस्टमर्स विद अ फोन लाइन साइमल्टेनियसली. On 21st September 1970, Amos Joel, an engineer in Bell's lab, actually patented his work, which had the early descriptions of a cellular concept. And then finally, I mean literally finally, in the year 3rd April 1973, Motorola became the first ever company to invent or to patent a handheld device when Martin Cooper, the researcher and the executive from the Motorola company, gave the first mobile phone call to their rivalry AT&T company, to Dr. Angel, who was the general manager of AT&T, and Martin Cooper said, "Joel, this is Marty Cooper. I'd like you to know that I'm calling you from a cellular phone." भाई फिर क्या था, लोगों का दिमाग था, क्रिएटिव डिजाइनर्स का डिजाइन था. फोन पे फोन आने लगे. तो इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट मेंशंस थे, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग से थे. और ये सारे इन्वेंशंस मैं अभी उनका नाम लेना चाहूंगा. इसके आगे जो भी हुआ है, इसके आगे जो भी रेंजेस आए हैं मोबाइल फोन्स की, दिखने की जो दिखता है मोबाइल फोन्स, उसमें बदले हैं चीजें, और उसके बाद जो फीचर्स उसमें है वो बदला गया है, एंड ऑल दैट इज चेंज. बट दी end point of the time that we are capable of actually talking to other people, or audio signals could be transmitted to longer distances, was proved in 1973 already. Ab bas distances ko badhate gaye, features ko badhate gaye, models ko banate gaye naye naye. To 1984 mein, yani ki 11 saal ke baad, 1973 ke 11 saal ke baad 1984 mein, hamare apne hi Motorola ne ek aur design nikala tha jisko hum kehte the Dynatec 8000X. ठीक है, तो 8000X पर्टिकुलर मोबाइल फोन्स का जो प्राइस था वो था $4,000. मान सकते हो $4,000 इंडियन रुपीस में, अगर मैं उस वक्त कन्वर्ट करूं तो दैट वुड बी समवेयर अबाउट 3 लाख रुपीस. समझ रहे हो, $4,000 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस ऑफ द करंट इंडियन रुपीस. 3 लाख रुपए एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन का. अभी अगर हम उस वक्त से इस वक्त का इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, मतलब इन्फ्लेशन देखें, तो हमें समझ में आएगा कि भाई कितना ज्यादा प्राइस होता अभी. तो अगर अभी मैं वो फोन को खरीदने की कोशिश करूं, अगर मान लो कि मैं अभी मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट 2020 में वो फोन रिलीज हो रही है, तो जो इन्फ्लेशन की वजह से जो पैसे हो जाएंगे वो 4000 के बदले हो जाएगा $9,500. और उस $9,500 को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं, राइट नाउ इट वुड बी क्लोजर टू 7 लाख रुपीज फॉर अ मोबाइल फोन. ओ माय गॉड. सो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम इट वॉज बिलीव दैट मोबाइल phones are only for rich people, very rich. But ultimately did not went out through completely, because we now know how much mobile phones are cheaper. You can have a very good mobile phones for $50 to $100, that is closer to somewhere about 3000 to 10000 rupees. That's crazy, isn't it? So वैसे ही 1989 में Motorola ने एक और बड़ी और इंटरेस्टिंग सा एक डिजाइन लॉन्च किया था, जिसको हम कहने लगे हमारा अपना फ्लिप फोन, है ना. द फर्स्ट फ्लिप फोन वॉज ऑल्सो लॉन्च बाई मोटोरोला, विच वॉज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल डिजाइन. आई वुड लाइक टू मेक अ शाउट आउट फॉर दैट. इन 1990s केम द सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स. अब इन सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है कि जो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन्स थे वो काम करते थे एनालॉग ट्रांसमिशन में, लेकिन अभी आफ्टर 1990s दे स्टार्टेड डिजिटल ट्रांसमिशन, विच गेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बूस्ट टू द राइज ऑफ द मोबाइल फोन एरा, जहां पे अब हजारों और करोड़ों लोग लेने लगे मोबाइल फोन्स, एंड दैट वॉज एन अमेजिंग ग्रोथ फॉर द मोबाइल फोन इंडस्ट्री. अब इसी के साथ 1992 में एक और अमेजिंग सा फीचर हमारे मोबाइल फोन्स में आया, जिसको आज हम कहते हैं SMS, यानी कि टेक्स्ट मैसेजिंग. या और आपको पता है कि भाई हिस्ट्री क्या है टेक्स्ट मैसेजिंग का? शायद टेक्स्ट मैसेजिंग अब हमारे कॉमन रूटीन में हो गई है, एंड एज एन एवरेज हर दिन हर एक इंसान बहुत सारे मैसेजेस भेजता है कि नहीं बच्चों? आई रियली होप यू गाइस अंडरस्टूड दैट पार्ट कि 1992 वाज वेरी क्रूशियल. अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि विच ईयर डू यू थिंक द फर्स्ट स्मार्टफोन वाज लॉन्च्ड,
तो हम सबके दिमाग में शायद 2007 का आईफोन होगा, है कि नहीं? बट एक्चुअली दैट्स नॉट द ट्रूथ. इन 1993 द फर्स्ट स्मार्टफोन विच इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्मार्टफोन वॉज IBM साइमन, ऑफकोर्स लॉन्च बाई IBM. एंड यू रियलाइज कि स्मार्टफोन क्यों था, क्योंकि भाई ये स्मार्टफोन ही सिर्फ नहीं, एक फैक्स मशीन भी था, एक पेजर भी था. एंड That was crazy for that particular time. उसके अलावा this phone also had calendar, address book, email facility, and it also had an amazing touch screen with a QWERTY pad. Imagine touch screen with a QWERTY pad in 1993. This is crazy. It is before I was born. Damn, bro. On 2nd March 1998, the first ever downloadable content was released. यानी कि पहली बार अभी आप कुछ डाउनलोड कर सकते थे अपने मोबाइल फोन के थ्रू. और वो क्या थी? वो था, एनी गेसेस कि सबसे पहले डाउनलोड क्या कर सकते थे आप? इट वॉज द रिंग टोन्स पीपल, एंड इट वॉज रिलीज बाय फिनलैंड्स रेडियो लेजर. एंड द रिंग टोन, आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू गाइस नो, इट वॉज द फ्रॉग सॉन्ग. एंड यू कैन एक्चुअली सर्च ऑन यूट्यूब, इट इज अ वेरी ग्रूवी सॉन्ग, चेक दैट आउट. एंड आफ्टर एग्जैक्टली वन ईयर इन 1999, द मोस्ट famous thing in the mobile phones and the concept of messaging was invented. I'm pretty sure you all know that. Any guesses? Exactly. It is the emoticons, or we call it as emojis. यानी कि पहली बार text messages के साथ आप pictures भी भेज सकते थे. किसके? Smiley faces के. और अगर हम आज की बात करें, मेरे ख्याल से हमारे 50 या 70% of conversation सिर्फ और सिर्फ emojis के through होते हैं. And imagine it all started in 1999. और इसी साल हमारे अपने BlackBerry का मार्केट में आने का टाइम हुआ. और जब ब्लैकबेरी जैसे मार्केट में आई, इट वॉज टर्म्ड एज द बिजनेस फोन, क्योंकि इट हैड एन अमेजिंग ईमेल सर्विस जिसके थ्रू उसके यूजर्स कभी भी कहीं से भी ईमेल को पढ़ सकते थे और रिप्लाई कर सकते थे. यार आप लोग सोच रहे होंगे ना, सर मोबाइल फोन्स की बात हो रही है और नोकिया की बात नहीं आई, ऐसे कैसे सर? क्योंकि व्हेन वी थिंक अबाउट ओल्ड फोन्स, द फर्स्ट फोन वी एवर सॉ, इट वुड हैव बीन डेफिनेटली नोकिया. वी ऑलवेज थिंक अबाउट नोकिया. बट द रियलिटी इज 1973 से 2000 तक बहुत सारे ब्रांड्स खेल गए. नोकिया थोड़ी लेट आई थी, लेकिन लेट आए भाई, लेकिन धमाकेदार एंट्री हुई थी नोकिया की. इन द ईयर 2000 नोकिया रिलीज 3310, विच वी कॉल इट एज द अमेजिंग मोबाइल फोन, बिकॉज बिटवीन 2000 टू 2005 इट सोल्ड 126 मिलियन पीसेस ऑफ द फोन, एंड दैट वॉज एन अमेजिंग विक्ट्री फॉर नोकिया आउट देयर. तो ये सारे 2G फोन्स के जब सेल हो रहे थे, तब समझ में आया कि डेटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. सो ऑन October 1st 2001 3G ब्रॉडबैंड वॉज रिलीज, विच एक्चुअली पेव द वे फॉर द राइज ऑफ द स्मार्टफोन्स. 2007 के एंड तक ऑलमोस्ट 296 मिलियन पीपल वेयर ऑन द 3G नेटवर्क. यस, दैट स्टैगरिंग अमाउंट. एंड कंप्यूटर बिजनेसेस एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑन दिस. हाउ? दे स्टार्टेड रिलीजिंग फीचर्स सच एज द डेटा पैक concept and with the help of a SIM card. So 2007 did not only actually see the rise of the SIM cards, but also came in the one of the most famous brands right now, the iPhones. Yes, and 2008 also saw the availability of an amazing smartphone, T-Mobile G1, which has to be mentioned, which is one of the most amazing phones out there for the smartphone world. And then of course, in the year 2009, how can I skip this part? In the year 2009 came the revolutionary messaging app. Do you want me to say the name? Come on, WhatsApp. Exactly correct. The WhatsApp came into the picture, जो इतना ज़्यादा revolutionary था क्योंकि आप एक दूसरे से बात कर सकते थे for absolutely free, and the only thing which you required was the other person's mobile phone number and internet, and that's it. 2010 में भी दो amazing चीज़ें हुई. Number one, Galaxy came out, man. None of the Galaxy, the Samsung Galaxy S smartphone came out into the market. And number two, HTC also came out with its Evo 4G phone. Yes, you heard that right. The first ever phone to work on the 4G network with one of the largest screens during that particular year. और इसी के साथ 2011 में Samsung became the largest vendor of the mobile phone with its release of Galaxy S2, which had an amazing AMOLED screen and an 8 megapixel camera. I would consider me as one of the most fortunate people to actually use the Galaxy S2. I don't know how many of you guys still have Galaxy S2. Your parents might have it. Although it was my sister's, but still. It was an amazing phone. और ऐसे ही 2011 के बाद फोन का साइज बढ़ता गया, कैमराज इंप्रूव होते गए, फीचर्स इंप्रूव होता गया, यूजर इंटरफेस स्टार्टेड गेटिंग बेटर, और फोन यूज करने में और भी और ज्यादा मजा आते गया. लेकिन तब तक थोड़ा सा वेरिएशन या तो एवोल्यूशन ज्यादा नहीं आ रही थी, अंटिल
विद द लॉन्च ऑफ आईफोन 5S, जहां पे पहली बार फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टू अनलॉक द डिवाइस वॉज एक्चुअली showcased into the market, and that was a very big hit, and the entire community of the mobile phone users accepted it with an open heart. Phir 2015 mein aayi hamari western market mein do aisi famous companies jo shayad uske baad leading ban gayi, aur wo thi hamari apne Huawei and Xiaomi. I'm pretty sure ki abhi most of the people jo is video ko dekh rahe hain hamare is particular channel pe, I'm pretty sure you might be using a Xiaomi smartphone. I'm not sure, I myself was a Xiaomi phone user for a really long time. I don't know, right now I'm in OnePlus, ho sakta hai. But again, I'm pretty sure it's a very common handled device right now. लेकिन तब भी जब 2015 में लॉन्च हुई थी, हमारा जो सैमसंग है और एप्पल के आईफोन्स थे, दे वर डोमिनेटिंग द मार्केट बिकॉज ऑफ देयर अमेजिंग क्वालिटी एंड दैट व्हाट टू से लग्जरी फीलिंग. एंड इसी साल 4G का डेटा कवरेज वर्ल्ड वाइड ओवरटुक द 3G's डेटा कवरेज, एंड दैट वाज एन अमेजिंग फीट व्हेन इट केम टू द 4G नेटवर्क अवेलेबिलिटी. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, 2016 में गूगल केम इनटू द पिक्चर एंड दे स्टॉप्ड रिलीजिंग नेक्सस स्मार्टफोन्स. आई एम प्रीटी श्योर यू माइट हैव हर्ड दैट नेम समवेयर, नेक्सस स्मार्टफोन्स, एंड दे केम इनटू द पिक्चर विद द न्यू ब्रांडिंग कॉल्ड एज पिक्सल. एंड द सेम ईयर दे लॉन्च्ड टू पिक्सल फोन्स, द पिक्सल एंड द पिक्सल XL, एंड दे वेयर डेफिनेटली टारगेटिंग टूवर्ड्स कंपीटिंग फॉर आईफोन एंड ऑफ कोर्स द सैमसंग्स. और फाइनली यूके एंड यूएस में इन 2019 स्टार्टेड वर्किंग ऑन 5G नेटवर्क, जो कहा जाता है कि इट्स 10x फास्टर देन 4G. अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बट कोशिश पूरी जारी है, और ऑफ कोर्स फोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो चुके हैं व्हेन इट कम्स टू 5G स्मार्टफोन्स, है कि नहीं? पीपल, वी जस्ट सॉ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जर्नीज व्हिच एनीथिंग कैन हैव, एंड दैट्स दिस. A journey of 120 years, which started in the year 1900 from just a simple cartoon, a caricature made by our creative mind. And after 120 years, we have this, a power-packed computer in front of you right now. You don't believe me? Come on. Let's talk about this. You want to talk to people, you have the concept of calling, you can message people, you have WhatsApp, you have Gmail, you have all these sorts of, you know, mailing service and WhatsApp services right now here on the phone. If you want to be entertained, you have all the video streaming devices, Netflix, Amazon Prime, you have Hotstar, whatever you use right now on the mobile phone. You want to play games, that is possible through this particular phone right now. You're talking about intelligence, you're talking about the processing speed. How can you not compare the processing speed of a computer and a mobile phone? It's equally amazing, you don't find any difference at all. You want to be a professional photographer, you have the camera right in built right now in the phone. You can click pictures with flash, you have the front facing camera, everything. Front facing camera reminds me of the face unlock which you can have in all the mobile phones right now. Because of security, you have fingerprint scanner, you have bezel-less designs, you have amazing screens through which you can watch amazing set of movies. Now you have to understand this, you have so many apps to actually keep you entertained, also to give you so much of fun, also to be productive. You have Vedantu app to talk to and have the education going on throughout, seamless, amazing. All this made possible by internet, 5G, 4G, which again gives you the connection through the mobile phones. You have the collective resources, everything which you need to be entertained and to be productive, to be creative in your entire life in your hands. And that's how powerful this is. Just use it in a wise way. अब सोचने की बात यह है कि अब आगे क्या, कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी. Let us know what you think is going to the future of mobile phones, or let us just know what would you like to see down the road after 5 years on your mobile phone. How do you would like to have it? Just think about it, let me know. Let us know in the comment section. Maybe you might have a better screen, maybe you have more amount of games, a better graphic. Wait a second. What was the evolution of computer games? Well, that's for the next episode of the Time Capsule. I believe you guys will be looking forward for it. Until then, people, keep thinking, keep letting us know in the comment section how much you enjoyed this session today and how much you love us. Do let us know in the comment section. Keep liking, keep sharing, and keep subscribing the channel as much as you can. Share this video to the maximum and keep spreading the love. Thank you so much, people. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life and peace. I'm
Mm-hmm.